हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पैकिंग किया है सामान। थोड़ा थोड़ा मुझे अभी इधर उधर सामान करना है। एक्चुअली हम लोग जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक हम लोग जा चुके होंगे मोस्टली। मैं उसके बाद ही डालूँगी ये वाला ब्लॉग, एंड वहाँ से हमें कहीं कहीं और जाना है तो मैं उसी हिसाब से बैग जो वो पैक करूं कि मतलब वो जगह जाने पे वो बैग लेके जाएं, दूसरी जगह जाने पे वो दूसरा बैग लेके जाए, ताकि मुझे बार बार ना मतलब पैकिंग ना करनी पड़े। बैग्स हर एक जगह के लिए अलग अलग बैग्स जो वो पैक हो, तो इसके वजह से थोड़ा सा अलग अलग बैग पैक करूंगी। एंड प्लस मुझे वहाँ से सामान भी लेके आना है तो एक्स्ट्रा बैग भी मैं लेके जाऊंगी। तो बस यही है, वही सब मैं 2-3 दिन से मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी। बट अभी जैसे जैसे मतलब पैकिंग होता है ना, आपको आइडिया आता है कि नहीं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, तो अभी थोड़ा बहुत मुझे और चेंजेस करने हैं। एंड ये वाली साड़ी का मुझे ब्लाउज़ बनाना है, तो आज मैं देख के आऊँगी। देखते हैं वो इमिडिएटली अगर 2-3 दिन में बना देंगे तो ठीक है, वरना देखेंगे कुछ और ऑप्शन देखेंगे। अभी तक मैंने कुछ भी सोचा नहीं है, फ़िलहाल तो मैं पैकिंग करती हूँ। ये वाला बैग भी लेके जाऊँगी, ये हैंड बैग जाएगा, बाकी ये सारी ट्रॉलीज। इसके साथ में और एक ट्रॉली भी ऐड होगा, बट और एक बड़ा सा ऐड होगा। जैसे ये वाला ट्रॉली है ना, इसके अंदर एक छोटा ट्रॉली भी है, मतलब इसका जो छोटा वाला, तो वो ट्रॉली भी है। तो ये दोनों ट्रॉली उस बड़े के अंदर जाएंगे जो कि खाली जाएगा पूरा, क्योंकि मुझे वहाँ से जो भी मैंने सामान लिया है तो वहाँ से मैं लेके आऊँगी। तो इसीलिए इसमें मैं मतलब ये 3 बैग में खाली लेके जाऊँगी, एंड बाकी ये 4 में मैं बस सामान जो है वो पैक करूँगी। मतलब पैक कर चुकी हूँ, खाली इधर उधर थोड़ा सा और करना है। सो गाइस, अभी बस मैं वही पैकिंग करूँगी। एंड हनी बनी सुबह स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद मैंने योगा करके, बस मैं नहाई नहीं हूँ, मैं ये थोड़ा बहुत पैकिंग करके फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। एंड आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो मैं बाद में ये वीडियो डालूँगी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इंडिया, बट पापा मम्मी को पता नहीं है कि हम लोग इंडिया आ रहे हैं, तो उनको सरप्राइज़ मिलेगा। इसलिए पहले से अगर मैं ब्लॉग में बता दूँगी तो उनको पता चल जाएगा, इसलिए जिस दिन हम लोग पहुँचेंगे या उसके बाद ही मैं ये ब्लॉग जो है वो पोस्ट करूँगी। एक्चुअली तीन हमारे मेन स्पेशल काम है इस बार, जिस वजह से हम लोग इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। एंड अचानक से ही हमने सब कुछ प्लान वगैरह किया। एक्चुअली अचानक नहीं, मतलब बहुत पहले से सोचा था कि ये सब करेंगे, बट फिर बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि सोचा कि कैंसिल कर देते हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं, ये मोमेंट लाइफ में एक ही बार आता है, तो थोड़ा बहुत जैसे भी हमसे हो पाएगा उतना तो करना चाहिए। तो फिर हमने सडन ऐसे सब प्लान बनाया है, तो आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेंगे कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग इंडिया जा रहे हैं, पापा मम्मी को सरप्राइज़ दे रहे हैं। मेरे सास ससुर जो दिल्ली में रह, मतलब मेरा ससुराल आप लोगों को पता है दिल्ली में है, मतलब गांव हमारा उड़ीसा में है बट वो लोग दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। किसी को पता नहीं है, बस मेरी मम्मी को पता है क्योंकि मेरी मम्मी भी आ रही है दिल्ली। तो हम लोग जिस दिन पहुंचेंगे, मम्मी भी उसी दिन ट्रैवल करेगी भुवनेश्वर से दिल्ली। एंड उसके लिए भी बहुत बड़ा वो है क्योंकि वो पहली बार फ्लाइट में अकेले ट्रैवल करेगी, वो कभी भी आज तक अकेले ट्रैवल नहीं की है फ्लाइट में, तो उसका हमने असिस्टेंस बुक कर दिया है। तो हम लोग उड़ीसा जाके उसको लेके आते उतना टाइम नहीं था, तो इसलिए हमने बोला कि तेरा असिस्टेंस जो होता है ना, वो आपको व्हीलचेयर में ले आएंगे, तो वो सारा काम आपका कर देते, पूरा फ्लाइट में बिठा देते हैं, एंड फ्लाइट से पूरा लाके सारा प्रोसीजर वगैरह लगेज चेक मतलब वो सब करना, वो सब करा देते हैं। तो मम्मी का हमने वो कर दिया है, बाकी हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे। बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंचेंगे, पता नहीं सरप्राइज देने के चक्कर में पापा मम्मी सो रहे होंगे तो हम बाहर खड़े रह जाएंगे। चलो देखते हैं जो भी हो, एंड क्यों जा रहे हैं, क्या किस वजह से, क्या रीज़न है, एक बहुत लाइफ टाइम मोमेंट है ये हम सब के लिए, हमारे पूरे फैमिली के लिए एक लाइफ टाइम मोमेंट है, तो वो सब मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी। एंड उसके अलावा भी हम लोग 2 जगह जो है वो जा रहे हैं, सारी प्लानिंग वगैरह हो चुकी है, सब कुछ टिकट्स वगैरह सब कुछ डन है। पापा मम्मी को कुछ पता नहीं है कि क्या प्लानिंग हुआ है, कहाँ जा रहे हैं, हम लोग को कोई आइडिया नहीं है उनको, तो उनको एक बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों के साथ पे भी मैं शेयर करूँगी हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो उसी चक्कर में यहाँ पे थोड़ा बहुत पैकिंग कर रही हूँ। हनी बनी का स्कूल एक्चुअली और मतलब नेक्स्ट वीक और 3 दिन है,
दो तीन दिन उनका मिस होगा। और वैसे भी वो क्लास पार्टी, फील्ड ट्रिप, यही सब है। मतलब एग्जाम्स तो हो गए, इस ये मतलब उनका ये ईयर 2 खत्म ही हो गया, ईयर 3 स्टार्ट होगा उनका सितंबर से। तो पढ़ाई वगैरह सब कुछ डन है, बुक्स वगैरह भी वो सब कुछ घर पे लौटा दिया है। बस 2-3 दिन का उनका ऐसे बच्चों के साथ में क्लास पार्टी वगैरह ये सब है, तो वो 3 दिन उनका मिस होगा, बच्चों के साथ में जो पार्टीज वगैरह वो सब मिस होगा। पर ठीक है, हमारा ये प्रोग्राम अटेंड करना, मतलब ये प्रोग्राम अटेंड तो नहीं, अरेंज करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो वही सब है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे फिर। मैं पहले थोड़ा बहुत पैकिंग कर लूँ, एंड फिर हो सकता है आपको ये वाला ब्लॉग दिखे कि हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं या क्या, पता नहीं, क्योंकि जाने से 2-3 दिन पहले मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो पता नहीं कैसा क्या मैं रिकॉर्ड करूँगी, क्या इसमें अटैच करूँगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे बाद में। हेलो गाइस, तो आज है वो दिन जिस दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज रात की हमारी फ़्लाइट है, 11 बजे की फ़्लाइट है शारजा से। हम लोग पहली बार शारजा से ट्रैवल कर रहे हैं, कभी भी हम लोग शारजा एयरपोर्ट से नहीं गए हैं। दुबई से एक्चुअली टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, प्लस मतलब अभी ईद थी, जो समर वेकेशंस के लिए स्कूल्स में मोस्टली छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे टिकट्स। तो शारजा से हमें ठीक ठाक टिकट मिल गए, तो हम लोग जा रहे हैं शारजा से। 11 बजे की फ़्लाइट है, तो हम लोग शाम को 7 बजे, 7:30 बजे तक एयरपोर्ट निकल जाएंगे, एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग दिल्ली लैंड करेंगे एंड सरप्राइज देंगे पापा मम्मी को। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एंड ये हमने ना पहले भी एक बार किया था, जब हनी पनी पहली बार इंडिया ट्रैवल किए थे, जब 6-7 मंथ्स के थे तब हम लोग उनको लेके गए थे पहली बार, तब भी उनको कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। मतलब उनको पता था कि हम लोग नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं, मतलब नवंबर दिसंबर में आने वाले हैं, बट हम लोग अक्टूबर में दिवाली के टाइम पे उनको जाके सरप्राइज दिया था, तब वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। एंड इस बार भी ऑब्वियसली बहुत खुश होंगे। इनफैक्ट सुबह पापा का कॉल आया था, परसों एक्चुअली श्रेय का बर्थडे है, तो हर साल मैं उसके बर्थडे पे कपड़े वगैरह गिफ्ट्स वगैरह भेजती हूँ। तो पापा ने फ़ोन किया कि अभी तक गिफ्ट आया नहीं है, कपड़े नहीं आए, तुमने भेजा है? मैंने बोला कि हाँ मैंने भेज दिया है, कल आके पहुँचेगा। उनको मैं क्या बोलूँ कि मैंने कुछ भेजा नहीं, हम खुद ही लेके आ रहे हैं उसके कपड़े, जो भी गिफ्ट्स वगैरह हम खुद ही लेके आ रहे हैं, तो हमने कुछ भेजा नहीं है, तो क्या ही बोलूँ। मैंने बोला कि हाँ कल पहुँच जाएगा वो, तो सुबह सुबह हम भी पहुँचेंगे, साथ में शेरू का गिफ्ट भी पहुँच जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग इस ट्रिप के लिए, बहुत कुछ प्लान किया है, बस ऊपर वाले से यही प्रे है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, जो भी हमने प्लानिंग की है सब कुछ अच्छे से हो जाए, जहाँ जहाँ हम लोग जाने वाले हैं वो भी सब कुछ अच्छे से हो जाए, एंड जाके हम लोग वापस भी अच्छे से आ जाए। एंड बस यही है। एंड जब भी कहीं पे भी ट्रैवल होता है, पहले जैसे 100% एक्साइटमेंट रहता था, वो एक्साइटमेंट रहता है बट थोड़ा सा मन उदास रहता है सिम्बाब्वे की वजह से। बट हाँ, भाई भाभी जब घर पे रहते हैं ना, तो इतना कुछ टेंशन नहीं होता है। तो हम लोग आज, भाई हमें एयरपोर्ट छोड़ने जाएगा, उसके बाद भाई भाभी इधर आ जाएंगे, सिम्बाब्वे के साथ में रहेंगे। शिवा तो आएगा क्लीनिंग वगैरह करने, बाकी घर का ध्यान रखने, बाकी भाभी यहाँ पे सिम्बाब्वे का टेक कर। भाई भाभी होते तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है सिम्बाब्वे की, बट हाँ थोड़ा सा मिस करते हैं। एंड हाँ, हम लोग बस, मैंने खाना वाना खा के हनी बनी को खिला दिया है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल रहे हैं। तो मुझे अभी एक पार्सल रिसीव हुआ, ये सुनीता, मैंने कार्ड देखा तो सुनीता, पार्थ भैया और टिनी ने भेजा है, लिखा है हैप्पी एनिवर्सरी मामू एंड मिम्मी, और वो जीत को मामू और मुझे मिम्मी बुलाएगी टिनी, तो टिनी की तरफ से। एक्चुअली हमारी एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी 1 जुलाई को है, आप लोगों को पता है, तो 1 जुलाई को हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे, तो उस वजह से शायद उसने कुछ गिफ्ट भेजा है। इसमें कार्ड एक लिखा है, तो डियर मामा एंड मिम्मी, विशिंग यू बोथ ए वेरी हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत सारा कुछ लिखा है, फ्रॉम लव योर बाबू मोशाय टिनी, मैं उसको बाबू मोशाय बोलती हूँ ना, लिखा है थैंक यू सो मच टिनी, सुनीता एंड पार्थ भैया, बट उसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम लोग वापस आएंगे, मिलेंगे तब भी हम लोग कर सकते थे। तो मैं बस खोल के देखती हूँ, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अच्छा, ये एक जीत का टी शर्ट, कैल्विन क्लीन का टी शर्ट है ये, ब्लैक में, बहुत अच्छा है, सोच रही हूँ इंडिया लेके चले जाऊँ अभी,
पैक कर देती हूँ, एनिवर्सरी वाले दिन पहन लेंगे नया कपड़ा। वैसे मैंने उनका नया कपड़ा रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं हम लोग 1 जुलाई को हम लोग कहाँ पे होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो देखती हूँ। बट रख लेती हूँ एक नया टी शर्ट, एंड मेरा भी कुछ ब्लैक ही है। बापरे, अरमानी का, ओह ये टी शर्ट नहीं है, ऐसे जो लॉन्ग ड्रेस अरमानी का, बापरे काफी एक्सपेंसिव होगा वो वेल्विन किन का अरमानी का। अच्छा हाँ, ये लॉन्ग ड्रेस है, इसमें ऐसे कट्स हैं, ये तो मैं उधर नहीं पहन सकती। मतलब ऐसा हमारे मेरे ससुराल में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाँ एनिवर्सरी है, ससुराल में होंगी तो आई वुड प्रिफर कि मैं सूट पहनूं, तो मैं सूट अपना लूंगी, ये मैं यहीं रख दूंगी, मैं आके पहनूंगी। बट सोच रही हूँ जीत का ले जाऊं या दोनों का साथ में हम लोग यहीं पे आके पहनेंगे, देखते हैं, उनको पूछती हूँ। जीत आते हैं तो जीत ऑफिस गए हैं, जो भी लास्ट मोमेंट सारा काम है वो सब निपटा रहे हैं, बस अभी ऑफिस से आएंगे। तो उनका हमेशा ये रहता है कि लास्ट मोमेंट को पैकिंग चेक करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, उनको लास्ट मोमेंट पे ऐड करना है, निकालना है, वही सब करना होता है। हमेशा मैं उनको बोलती हूँ कि 4-5 दिन पहले से मुझे बता दो आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, या चेक कर लो मैंने क्या पैक किया हुआ है। बट नहीं, वो हमेशा एयरपोर्ट निकलने से 2-3 घंटे पहले ही उनको ये सब काम रहेगा, वो चेक करेंगे ये नहीं है वो नहीं है, ये क्यों रखा वो क्यों नहीं रखा, ये सब वो बोलेंगे। एनीवेज, थैंक यू सो मच टिनी, सुनीता एंड पार्थ भैया, लॉट्स ऑफ लव, एंड इस बार एनिवर्सरी हम लोग इंडिया में मनाएंगे। हाँ, एंड होपफुली हम लोग एक बहुत अच्छे जगह पे होंगे उस टाइम पे एनिवर्सरी पे। तो चलिए गाइस, हम लोग बस रेडी, थोड़े टाइम में भाई भाभी आएंगे, हम लोग रेडी वगैरह होते हैं, एयरपोर्ट में चलती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। बने जा रहे हैं तो ग्रुप हग हो रहा है। सो नील रिवान, व्हेन वी विल बी बैक, यू विल गो टू इंडिया और बिफोर दैट यू विल लीव, राइट? गिव वन टू नील, वन टू रिवान, ओके? थैंक यू। सो यू विल कम नेक्स्ट ईयर, मेबी इन दिसंबर। दिसंबर, ओके 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 ओके। लव सिम्बा, सी सिम्बा इज लविंग ऑल, सी सिम्बा नोज दैट यू आर गोइंग इंडिया, दैट्स व्हाई ही वांट्स यू टू लव हिम। मेरा बच्चा मामू माई है ना, मसाज करने के लिए मामू माई, मेरा बच्चा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव भवन्तनाम मृत्युमुखी नमामि तात। चल बाय बुबु, बाय चिंबु, मामू माही, टेक केयर, बाय। और गुड़िया मजोनो पॉलिंग से बुली, दोनों सो गए उधर। चलो बाय। जोर से बोलो जय माता दी, जय करा शेरावाली मैया दा, बोल साचे दरबार की जय। Trying to act like they all taught me, but nothing makes sense. Hello, bye bye. Jai Jagannath. To Delhi. Delhi to meet whom? Shayu. Shayu and? Bui also? Bui. And who will come to Delhi? I also. iPhone? सो गाइज, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे शारजा एयरपोर्ट। रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी टाइम लग गया, बट टाइम पे है हम लोग। बस अभी यहाँ पे चेक इन करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग उधर बोर्डिंग एंड सॉरी सिक्योरिटी चेक इन एंड बोर्डिंग।
still a kid trying to act like they all taught me. But nothing makes sense anymore. हो गया हमारा चेक इन वगैरह. अभी हम लोग आ गए हैं फूड कोर्ट पे. हनी पनी को कुछ खिला देंगे, हम भी थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेंगे. फ्लाइट में खाना मिलेगा बट उस फ्लाइट में अभी टाइम है. खाना मिलते मिलते 12:30 एक बजेगा, तब तक ये लोग सो भी जाएंगे और उनको भूख भी लगी है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेंगे. अभी अराउंड 10 बज रहे हैं अभी टाइम है. क्या ऑर्डर किया रू? नगेट्स. योर डोसा एंड हिज नगेट्स. Why? Because I'm... Mama is there, no? Don't worry. I'll be there, stay with Mama. Then you must have stayed with Mama, my... I told you. I also want to go to India. And also I want to stay at Dubai. So at that time, only you can stay at one place, no? You can stay at two places. एयरपोर्ट में आबू धाबी से ज़्यादा ऑप्शन है खाने के लिए एंड खाना बहुत टेस्टी है. मतलब दुबई एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा टेस्टी है. मुंबई डिलाइट से हमने खाया, बहुत अच्छा खाना है. बोल रहे मामा योर फेवरेट फिली. फिली कैफे भी है इधर, चाय तो बनता है. एक फिर स्मॉल वाला लेना, नो शुगर. इतना बड़ा फिल्म तो मैंने मामूली की फिल्म में भी देखा है. गाइस यहाँ पे देखिए फिली का स्मॉल मैंने लिया है. कितना बड़ा होता है स्मॉल साइज इसका. लार्ज मतलब जो बड़े साइज, बड़े ग्लास में जब पानी पीते हो ना वो होता है उसका लार्ज. स्मॉल भी मुझसे पिया नहीं जाएगा, पता नहीं लार्ज कौन पीता है इसका. सो आ गए हम लोग अभी फ्लाइट के अंदर एंड एज यूजल हनी बनी का होता है कि वो जो फ्लाइट में जो बुक मिलता है ना इन्फॉर्मेशन वाला वो पूरा पढ़ेंगे. वो उनका पता नहीं एवरी ट्रैवल पे. हाँ वो हियर वी कैन फाइंड अ टेडी बेयर आल्सो. या आई लाइक टेडी बेयर. जब भी हम लोग फ्लाइट में एंटर करते हैं ये पूरा बुक वो पढ़ेंगे. नो व्हाट यू डू टेडी बेयर डू गो वी कैन बाय इन इंडिया. वेलकम टू दिल्ली. पहुंच गए हम लोग इंडिया. बस अभी हम लोग इमिग्रेशन करेंगे देन टैक्सी लेके घर जाएंगे एंड सरप्राइज करेंगे सबको. Am I the only one lost in translation? Where nothing makes sense anymore. So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं घर एंड नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था, क्या था, क्योंकि ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा. तो आगे के ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.